नमस्कार साथियों, मैं देवेश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार हमारे इस नए अंक में। साथियों, हम बात करने वाले हैं एक नई कुंडली के बारे में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एसपी की कुंडली है, जिसे हम पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं हिंदी में, एक पुलिस अधीक्षक की कुंडली। आखिर इस जातक के कुंडली में ऐसे किन ग्रहों का एक मजबूत योग था, एक सुंदर योग था जिसने इस व्यक्ति को एसपी के पद को प्राप्त करने में सहायता किया। देखिए, इस प्रकार की कुंडलियां कभी भी सामान्य नहीं होती हैं। अगर जो भी थोड़ा भी जानकार होगा ज्योतिष की दुनिया का, वो तुरंत इस प्रकार की कुंडली को देख के पहचान लेगा किसके चार्ट में ग्रहों की जो पोजीशन है वो अत्यंत ही मजबूत है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं सरकारी नौकरी से जुड़े हुए वो लगभग सभी पद जो आज की तारीख में आज की युवा पीढ़ी के लिए उनके एक इंटरेस्ट का, उनके लिए एक सपने के जैसा एक पद होता है, मैं उन सभी पदों का विवेचन करने का प्रयास करूंगा। जो भी कुंडलियां मेरे पास आती हैं मैं निरंतर उनको आपके सामने पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लग्न में 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है, ठीक है, 3 नंबर का अंक अर्थात मिथुन राशि। सबसे पहला शर्त होता है कि व्यक्ति का लग्नेश और लग्न मजबूत होना चाहिए। जैसा कि मैंने बार बार कहा है अपने सरकारी नौकरी के सीरीज में कि व्यक्ति का लग्न और लग्नेश बहुत मजबूत होना चाहिए। तो आप देखें, इसका जो स्वामी ग्रह है बुध, वो जाके बैठ गया है पंचम भाव में अपने मित्र राशि में। देखिए, 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि होती है। शुक्र बुध का मित्र ग्रह होता है, ये दोनों फ्रेंड होते हैं, आपस में बराबर के दोस्त होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो पहली शर्त पूरी हो जाती है कि लग्नेश एक शुभ भाव बैठा है, और लग्नेश का आप पोजीशन भी देखें, ये 5वां भाव अर्थात आपकी विद्या का भाव, आपके पूर्व पुण्य का भाव, ये एक बहुत ही सुंदर स्थिति होती है किसी भी चार्ट के लिए। और दूसरी स्थिति की तरफ हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि बुध का और शुक्र का, देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, मरकरी। मरकरी और वीनस का आपस में एक्सचेंज है। देखिए, वीनस यहाँ बुध की राशि में है, 6 नंबर की राशि बुध की राशि होती है, ये 6 नंबर और 3 नंबर की राशि होती है। शुक्र का 7 नंबर और 2 नंबर की राशि का स्वामी होता है। तो यहाँ पर शुक्र और बुध का आपस में एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होने से हुआ क्या, यहाँ पर बुध प्लस शुक्र का एक मजबूत युति बन गया। देखिए, दूसरी शर्त भी यहाँ पूरी हो जाती है, एक बुध और शुक्र की जो आपस में मित्र ग्रह होते हैं, जब लग्नेश इस प्रकार के ग्रहों से अपने मित्र ग्रहों से अगर दोस्ती कर लेता है, युति में आ जाता है, एक्सचेंज में आ जाता है, उसका लग्न बहुत ही मजबूत हो जाता है। अच्छा, जब बुध युति करने के बाद अर्थात एक्सचेंज करने के बाद जब अपने घर में यहाँ पर जाता है, तो देखिए लग्नेश का संबंध किन ग्रहों से हो जाता है। लग्नेश जब यहाँ पर आएगा और वीनस जब यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए बुध का संबंध यहाँ पे मार्स से भी हो जाता है और बुध का संबंध यहाँ पे सन से भी हो जाता है। देखिए, बुध हो गया आपका, सूर्य हो गया और आपका मार्स मंगल भी हो गया। अब आप जरा विचार करके देखें कि इस लग्नेश की स्थिति कितनी मजबूत हो जाती है इस चार्ट में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैं गारंटी से कहता हूं कि जिन व्यक्तियों ने अपने लाइफ में हायर अथॉरिटी का पोस्ट प्राप्त किया है, उनकी कुंडली आदमी अगर एक झटके में भी देखता है तो तुरंत बता देगा कि ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा अपने जीवन में। बस मायने रखता है कि वो किस वक्त, किस समय, वो समय कब आएगा जब वो इस प्रकार के ऊंचे पद को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो आप देखते जाइए, इसके बाद के जो योग है आप उनका स्क्रंथ भी देखिएगा। अच्छा, बुध शुक्र की युति होना, फिर बुध का सूर्य और मंगल के साथ युति हो जाना, एक मजबूत लग्नेश की स्थिति को अत्यंत मजबूत बना देता है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे घर में, जहां पे जुपिटर और मंगल, मैंने आपको क्या क्या बताया था, मार्स, सन, जुपिटर प्लस मून, इन ग्रहों का अत्यंत ही मजबूत स्थिति में होना आपको हायर अथॉरिटी के पोस्ट पे ले जाने के लिए सक्षम होता है। कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ही होगा कि जो इस प्रकार के योगों के होने के बाद भी शायद ही एक ऊंचे पद पर न जाए। हो सकता है सरकारी नौकरी में न जाए, लेकिन वो सरकारी पद को जरूर प्राप्त करेगा। वो बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है, बहुत नामचीन, बहुत फेमस व्यक्ति हो सकता है। सरकारी नौकरी से जोड़ने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो बहुत डिटेल में होती हैं,
मैं आपको एक सरसरी निगाह में वो सारे योग कम समय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपके अंदर एक समझ पैदा हो जाए। ठीक है, अब देखिए जुपिटर और मून की स्थिति। जुपिटर अगेन यहाँ पे देखिए 4 नंबर की राशि में एग्जॉल्टेड है, और मून का ये खुद का घर है। चंद्रमा 4 नंबर का स्वामी होता है और जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है। अब जरा आप विचार करके देखें कि जुपिटर की स्थिति यहाँ कितनी मजबूत होती है। और जुपिटर का देखिए 9th एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका कर्म क्षेत्र है। मैंने क्या बताया था, कर्म क्षेत्र। आपके कर्म क्षेत्र पे अगर एग्जॉल्टेड जुपिटर की दृष्टि आ जाती है तो आप जरा विचार करके देखें कि उस व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कितना मजबूत हो जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम आखिरी पड़ाव पे, जो इस कुंडली का निचोड़ होगा। अब देखिए बुध अगर यहाँ पे आ जाता है, सन मार्स और वीनस एक्सचेंज होने पे जब बुध यहाँ पे आ जाता है तो लग्नेश होके वो 10वें घर को देखता है। लग्नेश अत्यंत मजबूत स्थिति में, मैं तो समझता हूँ यहाँ पे एक राजकुमार एक राजा की स्थिति में यहाँ पे होने के बाद जब वो 10वें घर को देखेगा तो 10वें घर को अत्यंत अत्यंत ही मजबूत दृष्टि से वो 10वें घर को ताकत प्रदान करेगा। यानी कि वो अपने जीवन की सारा ताकत अपने 10वें घर में झोंक देता है लग्नेश। यानी इसका 10वां घर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव भी कैसे हो जाता है, सूर्य मंगल और जुपिटर की एनर्जी के साथ, और जुपिटर के साथ मासेस यानी कि चंद्रमा जो कि मासेस होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि 4th घर का स्वामी जो पूरा का पूरा एक राज्य की प्रजा होती है उसकी एनर्जी को लेकर के 10वें घर को देखता है। तो इसका 10वां घर पूरे लाइफ टाइम एक बहुत हायर अथॉरिटी पे जाने के लिए बाध्य हो जाता है। ये इसका किसी जन्म का शायद पुण्य ही होगा कि वो इस प्रकार के पद को प्राप्त करेगा। अब आते हैं एक आखिरी बात पे। देखिये जुपिटर जब अपने 9वीं दृष्टि से 10वें घर को देखता है और प्लस वीनस एक्सचेंज के पहले वो भी 10वें घर को देख रहा है, तो यहाँ पे 5वें का स्वामी और 12वें का स्वामी अपने आप को 10वें घर में भी अपनी एनर्जी का फ्लो करते हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए क्या आया है, यहाँ 12 नंबर की राशि लिखी है। 12 नंबर की राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो स्वयं जुपिटर ही होता है। तो आप जरा सोच के देखें कि इसका 10वां घर कितना मजबूत हो जाता है। इस व्यक्ति के पूरे कुंडली में 10वें घर 4th घर 2nd घर और 5वें घर की स्थिति अत्यंत मजबूत हो जाती है। उम्मीद है आपको इन ग्रहों के स्ट्रेंथ के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए क्षेत्र में हैं, आप तैयारी करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रकार के योगों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे कोई बात ना समझ में आए तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप चाहें तो हमको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक जो भी आपके मित्र हैं जो इस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।